डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो जैसे मुझे करना है ए माइनस बी, ए माइनस बी करना है, तो मैंने इसको आप लोगों को समझाया था उस दिन लास्ट पीरियड में कि अगर ए माइनस बी अगर आपको करना है, इसका मतलब ये हो गया कि रिमूविंग द एलिमेंट ऑफ बी, बी के एलिमेंट को क्या करना है, रिमूव करना है फ्रॉम ए। जैसे मान लीजिए आपके पास फॉर एग्जाम्पल ए सेट, अभी जो हमने लिया था उसमें ए बी सी था, दूसरा जो सेट है हमारे पास बी, मान लो उसके अंदर सी डी और ई है, तो आपको फाइंड करना है ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, यानी ए सेट में से क्या करना है, बी सेट के एलिमेंट को हटाना है। ये तो डेफिनेशन बोलता है, ए माइनस बी का मीनिंग क्या हो रहा है, रिमूविंग द एलिमेंट ऑफ सेट बी, कि सेट बी के जो एलिमेंट है इज रिमूविंग फ्रॉम ए, ए में से हटाना है। तो देखो ये ए सेट है, इसमें से बी सेट के एलिमेंट को हटाना है, तो बी सेट का एलिमेंट कौन है, सिर्फ सी, ये हट जाएगा और कौन आ जाएगा, ए और बी। अच्छा अगर यहीं पर मुझे मान लो बी माइनस ए करना होता, क्या करना होता बेटा, बी माइनस ए, इसको मैं क्या रीड करूंगा, रिमूविंग द एलिमेंट ऑफ ए फ्रॉम सेट बी, यानी बी सेट में से मुझे ए सेट के एलिमेंट को क्या करना है, रिमूव करना है। तो इसको अगर मैं बनाऊंगा तो बी में से ए का सी हट जाएगा और कौन आ जाएगा, डी और बी। अगर मान लो मुझे इनके वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करना पड़ा, ए माइनस बी और बी माइनस ए को, तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, ये हो गया हमारा सेट ए, ये हो गया हमारा सेट बी, ठीक है। अब ये जो है ना, ये वाला रीजन किसका है, ए का, इसमें से बी के एलिमेंट क्या कर दिए, हटा दिए, देखो बी के एलिमेंट हटा दिए, इसको हम रीड करेंगे ए माइनस बी। अच्छा इसकी अगर हम लोग बात करें, ये कौन है, ये कौन हो जाएगा, बोलो जल्दी से बी बेटा, बी माइनस ए, क्योंकि बी में से ए के एलिमेंट हटा दिए, ये तो पता ही है आपको, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, बोलो जल्दी से, ए इंटरसेक्शन बी। और अगर पूरे को ले लेंगे तो, पूरे को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ए यूनियन बी। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया, क्या थोड़ा बहुत आपको समझ में आया कि कैसे क्या आपको इंटरसेक्शन निकालना है, कैसे आपको यूनियन निकालना है और कैसे आपको डिफरेंस निकालना है। अभी हमने सीख लिया है कि हम लोग इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, फिर यूनियन कैसे निकालेंगे, और फिर डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हम लोग कैसे निकालेंगे। इतना क्लियर है तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट शायद हम लोगों ने लास्ट डे कौन सा एक्सरसाइज कंप्लीट किया था बेटा, एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गया था। ओके सो नाउ एक्सरसाइज नंबर 1.4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज नंबर 1.4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। ये जो आपको सेट्स दिए हैं इनका आपको क्या करना है, यूनियन फाइंड करना है। एक्स एक्स में दे रखा है बेटा 1, 3, 5, ठीक है ना, एक्स में दे रखा है आपको 1, 3 और 5, और दूसरा जो सेट दे रखा है वाई, वाई में आपको क्या दे रखा है बेटा, 1, 2, 3, 1, 2 और 3, क्या फाइंड करना है, बोलो जल्दी से। उसने सिर्फ यूनियन का बोला है, मैं बोल रहा हूं कि आप इनके यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों फाइंड करें, फाइंड यूनियन एंड इंटरसेक्शन बोथ। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं बेटा, बोलो जल्दी से, यूनियन तो कौन आ जाएगा, एक्स यूनियन वाई, तो एक्स यूनियन वाई इट मीन्स द एक्स यूनियन वाई इट मीन्स दिस सेट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एज वेल एज सेट बी, बट नो वन एलिमेंट इज रिपीटेड, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना है। तो बता दो क्या आ जाएगा, 1, 3, sorry, 1, तो 1 इसमें भी है, 2 रिपीट नहीं करना है, 3 और 5, देखो इसके 1, 3, 5 आ गए, हाँ 1, 3, 5 आ गया, इसका 1, 2, 3 आ गया, हाँ 1, 2, 3 आ गया, दोनों सेट के एलिमेंट्स को इसने कंटेन किया पर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना है। अब अगर हम बात करें इसी का, अगर मुझे इंटरसेक्शन निकालना होता तो बता दो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, इंटरसेक्शन कंटेन ओनली कॉमन एलिमेंट, 1, 3, 1, 3, क्यों, क्योंकि 1 इस वाले सेट में भी आ रहा है, 1 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, तो क्या आ जाएगा 1, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज सेकेंड, सेकेंड है इसी का, आपको दे रखा बेटा ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ठीक है ना, ए दे रखा है ए ई आई ओ यू, और बी दे रखा है आप लोगों को ए बी और सी, और बी दे रखा है आपको एबीसी। चलिए जल्दी से आप लोग मुझे ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी बताइए, फर्स्ट ए यूनियन बी बोलिए, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए ई सॉरी ए बी, ए बी भी तो आएगा यूनियन में, तो इट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी,
तो ए बी सी भी आ जाएगा, ई आई ओ और यू। चलिए तो यूनियन हो गया। इंटरसेक्शन बोल दो बेटा, ए इंटरसेक्शन भी, ए इंटरसेक्शन ए, सिर्फ ए ही आएगा क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, ए। क्लियर। चलिए आगे चलते नेक्स्ट। थर्ड वन इज x such that x the natural number and multiple of 3। थर्ड क्या है बेटा, थर्ड वन इज ए सेट क्या देगा बेटा, x such that x इज नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3। कि x such that x क्या है आपके पास, एक नेचुरल नंबर है जो क्या है बेटा मल्टीपल ऑफ 3 है। एक और दूसरा क्या देखा, बी सेट इज व्हाट, x such that x is natural number, और क्या दरकार है बोलूं बेटा, less than 6। ठीक है, अब इसका यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना है। अगर ये अभी किस फॉर्म में दे रखा है, रोस्टर फॉर्म में कि सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर में दे रखा है। तो अगर इसको रोस्टर में लिखोगे थोड़ा आसान हो जाएगा इसका यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना। तो इसमें क्या लिखो मैं, इसको क्या लिखो मैं, 3, 6, 9, 12 और कंटिन्यू, क्या सही है। x such that x एक नेचुरल नंबर है और क्या है बेटा, नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, नेचुरल भी है और मल्टीपल है, तो नेचुरल ये नेचुरल है और मल्टीपल ऑफ क्या हो गया बेटा 3। क्लियर। दूसरा बी सेट में क्या बोल रहा है बेटा, बोलो x such that x इज द नेचुरल नंबर लेस देन 6, इसमें कौन आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, सही है क्या। ए और बी सेट बनाने आ गए, तो अब आपको क्या चाहिए बोलो जल्दी से, ए यूनियन बी चाहिए। तो ए यूनियन बी में क्या आएगा बोलो, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, सही है, अरे आएगा ना। पर यूनियन क्या बोलता है, इट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी। तो बताओ इसने सेट बी के तो एलिमेंट कंटेन कर लिए, लेकिन सेट ए में तो आगे भी तो नंबर्स हैं, कौन 6 है, 9 है, 12 है, 15 है और कंटिन्यू चलता जाएगा। क्या समझ में आया, क्लियर है। अब मुझे ये बता दो कि ए इंटरसेक्शन बी, तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आप बता दोगे ए इंटरसेक्शन बी, तो आप बताइए 3, क्योंकि देखो 3 इसमें भी आया है और 3 इसमें भी आया है, तो क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी 3 हो जाएगा। नोट कर लो इसको, कर लिया। नेक्स्ट थर्ड हो गया, फोर्थ वन इज क्या बोल रहा है बेटा, x such that x नेचुरल नंबर, ठीक है, फोर्थ में क्या बोल रहा है बेटा a, कि x such that x is नेचुरल नंबर, कि कोई नेचुरल नंबर है और क्या बोल रहा है, नेचुरल नंबर x is greater than 1, कि x क्या है greater than 1 and less than equal to 6, and less than equal to 6, कि एक कोई नंबर है जो 1 से तो बड़ा है लेकिन 6 के इक्वल और उससे लेस देन है। और b वाला जो सेट दे रखा है वो क्या दे रखा है बेटा, x such that x is the natural number, is natural number, और क्या बोल रहा है बेटा, x is greater than 6 and less than 10, x is greater than 6 and less than 10। इसका भी हमको क्या करना है, यूनियन और इंटरसेक्शन हमको फाइंड करना है। तो बताओ बेटा सबसे पहले तो अभी ये किस में है, सेट बिल्डर में। तो फर्स्ट वन थिंग आप इसको क्या कर लीजिए, पहले रोस्टर में लिख लो तो थोड़ा आसान हो जाएगा। एक नंबर है जो 1 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है, तो कौन कौन आ जाएगा, 2, 3, 4, 5 और 6, क्या सही है, क्योंकि 1 को नहीं लेना है, 1 से ग्रेटर देन लेकिन लेस देन इक्वल टू इसलिए 6 को लेना है। चलिए दूसरा सेट बी, बी क्या बेटा, x such that x is the natural number and x is greater than 6 and less than 10, तो 6 से बड़ा और 10 से छोटा, तो कौन आ जाएगा, 7, 8, 9। अब इसका यूनियन बोल दो बेटा, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, दोनों बोल दो जल्दी से, ए यूनियन बी बोलो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। चलिए इंटरसेक्शन बोल दो, नल सेट, वेरी गुड, नल सेट है उसको 5 सेट। क्लियर, नेक्स्ट क्लियर है क्या। फिफ्थ एंड द लास्ट, फर्स्ट का फिफ्थ बेटा क्या बोल रहा है, ए क्या दे रखा है आपको बोलो जल्दी से, ए सेट क्या दे रखा है, 1, 2 और 3, और बी सेट आपको क्या दे रखा है बेटा, 5।
ए दे रखा है 1, 2, 3 और बी दे रखा है 5। चलो सबसे पहले मुझे ए यूनियन बी बता दो। 1, 2, 3 यूनियन बी बता दो। 1, 2, 3 5 नहीं लिया आपने, बोलो जल्दी से। 5 नहीं लिया नल नल सेट है, उसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, और जब एलिमेंट है ही नहीं तो उसको इंक्लूड करना ही नहीं। चलो इंटरसेक्शन बोल दो। इंटरसेक्शन बोल दो नल। क्यों? क्योंकि कोई कॉमन क्या, उसके बी के अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं, तो एलिमेंट जब है ही नहीं ए यूनियन बी तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। ठीक है, ए यूनियन बी तो ए ही आ जाएगा। चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि कोई भी सेट और उसका यूनियन 5 तो वो आपके पास ए ही आ जाएगा। और कोई भी सेट और उसका अगर इंटरसेक्शन ले रहे हो किसके साथ, नल सेट के साथ, तो वो नल आ जाएगा। ये चाहो तो नोट करके भी लिख सकते हो, ठीक है ना, स्टार बनाकर पॉइंट बनाकर लिख सकते हो कि कोई सा भी ए हो बी हो कोई भी, कि अगर किसी भी नल सेट के साथ अगर यूनियन लोगे किसी सेट का तो वो खुद आ जाएगा, और अगर किसी भी सेट का अगर इंटरसेक्शन लोगे किसी भी नल सेट के साथ तो नल सेट आ जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन वही है जो हमने अभी बात करी है। सेकंड क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट वाले फिफ्थ में बात करी, क्या बोल रहा है? लेट ए इक्वल टू ए बी, ए क्या दे रखा है आपको, ए और बी, एंड बी इक्वल टू ए बी सी, बी इक्वल टू ए बी सी, ठीक है, दे रखा है। और इज ए, और क्या बोल रहा है, अच्छा ये थोड़ा चेंज है, इज ए इज द सबसेट ऑफ बी, इज ए इज द सबसेट ऑफ बी, एक तो ये हो गया। एंड वॉट इज ए यूनियन बी, और क्या बोल रहा है बेटा, वॉट इज ए यूनियन बी, कि ए यूनियन बी क्या होगा। ठीक है, दो क्वेश्चन। अब आप मुझे बताओ, समझना अच्छे से, ये गिवन में ए सेट हो जाएगा और ये बी सेट हो जाएगा। ए है ना, ए ए बिलोंग्स टू ए, सही है क्या, एंड ए बिलोंग्स टू बी, सही की गलती बता दो। और देखो बेटा, बी बी बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, क्लियर है क्या? तो ये जो ए वाला जो है, ए के जो एलिमेंट है कौन है, ए और बी, वो ए के तो अंदर है, साथ ही साथ किसके अंदर है, वो बी के भी अंदर है। अरे के नहीं, अब देखो ना, उसके अंदर भी तो है, इसका मतलब समझना। और जो एक और बचा है कौन, सी, तो सी नॉट बिलोंग्स टू ए, में नहीं है, पर सी बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो ए और बी जो निकल कर आए हैं किसके अंदर, सेट ए के अंदर, ये क्या है बोलो जल्दी से, ये बी में से ही तो आए हैं, सबसेट। और हमने बोला था ना कि अगर सबसेट, वेरी गुड, तो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए क्या है आपका, सबसेट है बी का। और अगर मान लो बेटा, अगर ए क्या है, सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी पता है आपको, ए यूनियन बी में एलिमेंट किसके आने वाले हैं पता है आपको, ए यूनियन बी में एलिमेंट किसके आने वाले हैं, बी के, क्योंकि ए बी सी तीनों आ जाएंगे, तो ए यूनियन बी निकालोगे तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नहीं समझा गए, अरे ए यूनियन बी निकालो ना इसका, ए यूनियन बी निकालो तो क्या आ जाएगा, वो ए बी और सी, और ए बी सी कौन है, देखो इसके दोनों ए बी आ गए, इसके ए बी और सी भी आ गए, तो बताओ ए बी सी कौन है आपके पास, बी। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई एक सबसेट है और अगर उसका यूनियन निकाल रहे हो तो जो सुपरसेट है वो आ जाएगा, तो सुपरसेट कौन था यहां पर, बी, तो वो बी आ जाएगा। क्लियर, क्लियर है? यस सर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3। तो प्रॉब्लम नंबर 3 को रीड करो, वो सेकंड, इसका सेकंड प्रॉब्लम जैसा, इसकी बात कर रहा था मैं। प्रॉब्लम नंबर थ्री इज व्हाट, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए और बी दो सेट हैं और वो इस तरीके से हैं कि ए सबसेट, जो ए जो है वो क्या है, सबसेट है किसका, बी का। तो व्हाट इज ए यूनियन बी, व्हाट इज ए यूनियन बी, समझ ही गए होंगे आप लोग, तो बी, हाँ, क्योंकि देखो मान लो ये कौन है आपके पास, बी, और बी ए किससे बना हुआ है, बी से, मतलब ये अगर देखा जाए तो ये ए यही तो है, ये कौन हो गया, बी, मतलब बी के अंदर ही तो ए है, और ये पूरा देखा जाए तो ए यूनियन बी हो ही जाएगा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो अगर ए यूनियन बी की बात कर लें इस केस में तो कौन आ जाएगा आपके पास, अरे भाई तो बताया था अभी हमने, ये कौन है, ए, और ये ए किसके अंदर से आया, बी के अंदर से, तो अगर ए यूनियन बी लिखना है तो ए के भी एलिमेंट आना चाहिए और बी के भी एलिमेंट आना चाहिए,
तो ए के एलिमेंट तो पहले से ऑलरेडी किसके अंदर से आए, बी के अंदर से ही तो आए, समझ आए। ए के पास कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट तो है ही नहीं अपने, ये ए जो है बी में से ही तो आया है। सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर फोर, प्रॉब्लम नंबर फोर इज व्हाट, प्रॉब्लम नंबर फोर, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 3 4 5 6 3 4 5 6, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 3 4 5 6 एंड सी इज इक्वल टू 5 6 7 8 एंड डी इज इक्वल टू 7 8 9 10 7 8 9 10, ठीक है ना। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और ये डी हो गया, क्लियर है क्या। फाइन, क्या फाइन करना है हमको, बहुत ही आसान है, इसके आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपसे ही करवाऊंगा मैं, एक दो क्वेश्चन में कर देता हूं। चलिए कर सकते हैं ना आप लोग, ए यूनियन बी तो खरीदोगे। yes. बोलो जल्दी से, ए यूनियन बी क्या रहा है, ए यूनियन बी बोल दो जल्दी से, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ए यूनियन बी आ गया। अब ए यूनियन सी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन में कर देता हूं एक दो, जैसे फिफ्थ वाला देखो इसका बेटा, फिफ्थ वाला, बाकी तो आप कर दोगे। फिफ्थ वाले में क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या इसको समझ गए, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी ऐसा सेट जिसके अंदर ए के, बी के और सी के तीनों के एलिमेंट आ जाना चाहिए, पर कोई भी एलिमेंट आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। देखो जल्दी से क्या क्या आ जाएंगे, ए बी सी तीनों आ जाएंगे, लिख दो 1 2 3 4, फिर बी के लिख दो, तो ये तो आएगा 3 4 तक, तो कौन आ जाएगा, 5 और 6, ठीक है। अब 5 6 तो इसके आ ही चुके हैं, कौन आ जाएगा बेटा, 7 और 8, क्या समझ में आया, क्या ये समझ में आया। तो ऐसे ही आप लोग 6 7 बना ही दोगे। चलिए नेक्स्ट वन हो गया, ये 5 में बोल रहा है कि इंटरसेक्शन निकालो हर एक सेट का, तो निकाल ही सकते हैं, क्या बोल रहा है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द पेयर ऑफ द सेट्स, क्वेश्चन नंबर 1 अबव, जो ऊपर आपको क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या करना है, इंटरसेक्शन भी निकालना है, तो आप कर दोगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही आसान है। ए क्या दे रखा बेटा आपको, 3 5 7 9 11, बी क्या दे रखा बेटा, 7 9 11 और 13, सी क्या दे रखा बेटा आपको, सी दे रखा है 11 13 और 15, ए बी सी हो गया, और डी क्या दे रखा बेटा, 15 और 17, ठीक है, ये दे रखा है आप लोगों को। फाइन, इसमें क्या फाइंड करना है, पहला क्वेश्चन देखो बेटा, क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी, कर सकते हैं क्या, बोलो जल्दी से, बहुत ही आसान है, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स, ये कौन हो गया ए और ये कौन हो गया बी, कॉमन एलिमेंट देखो बेटा 7 9 11, क्या समझ में आया, 7 9 11, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, सेकेंड इज बी इंटरसेक्शन सी, बता दो बेटा बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, ये रहा आपके पास बी और ये रहा सी, दोनों में कॉमन देख लो 11। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन क्या दे रखा, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है, तो आपको ऐसा एलिमेंट देखना है। हाँ सर, 11 और 13 एक सेकंड देखते ना, बी इंटरसेक्शन सी, ये रहा बी और ये रहा सी, हाँ उसमें 13 भी सही, 11 और 13। अब क्या चाहिए आपको, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ये रहा ए और ये रहा सी और ये रहा डी, इन तीनों में कॉमन देखना है हमको, ए सी डी, तो बताओ इसमें 3 5 7 9 11 है, इसमें 11 है, तो कॉमन तो मुझे सिर्फ 11 दिखा, और इसमें है क्या, नहीं, इसमें 15 है, इसमें 15 है, पर इसमें 15 नहीं है, तो तीनों में जो हो उसी को तो लिखना है, दो में होगा वो तीनों का कॉमन थोड़ी ना होगा, तो कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है, क्या आ जाएगा, नल सेट या फिर 5 सेट, क्लियर। नेक्स्ट वन इज ए इंटरसेक्शन अभी करी दोगे, अगला बोल रहा है बेटा नेक्स्ट, इसको देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन
सर सिक्स को दे, सिक्स में बी यूनियन सी, चलिए बेटा वॉइस आ रही है, वॉइस आ रही है बेटा? यस सर। तो देखो क्या करना है आपको, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसके लिए सबसे पहले आपको बी यूनियन सी को ढूंढ के लाना है, तो बी यूनियन सी को ढूंढ के लाइए। देखो ये तो हो गया आपके पास बी और ये हो गया सी, तो दोनों का यूनियन बोलो बेटा क्या क्या आ जाएगा, 7, 9, 11 और 13, ये तो बी के आई गए, और सी तो सी का 11 और 13 तो आ ही चुका है, एक 15 आ जाएगा, तो ये कौन हो गया बेटा बी यूनियन सी। अब हमको क्या चाहिए बोलो जल्दी से, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो जो ए और बी यूनियन सी में कॉमन है, ये रहा ए और ये रहा आपके पास बी यूनियन सी, दोनों में कॉमन देखो बेटा कौन है, 7, 9, 11 ये तो चाहिए, तो क्या आ जाएगा 7, 9 और 11, क्या थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो क्या, बोलो जल्दी से बेटा क्या हो पा रहा है, क्लियर है ये? तो बाकी इसके क्वेश्चन आप बना दोगे क्या, सिक्स के क्वेश्चन बन जाएंगे, तो सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स के बाद आपको नेक्स्ट वन जो है क्वेश्चन नंबर सेवन इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर सेवन में बोल रहा है बेटा ए एक शेड दे रखा है, और क्या दे रखा है बेटा, एक्स सजेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, तो बता दो ए में कौन कौन आएगा, 1, 2, 3 अप टू कहां तक बेटा, इनफाइनाइट तक, मैंने उसको रोस्टर में लिख दिया है, उसने शेड बिल्डर में दिया था एक्स सजेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, तो ठीक है नेचुरल नंबर तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक पहुंच जाएंगे। बी शेड दे रखा है बेटा 7 का, x such that x is the even natural number, यानी b side में कौन है बताया, 2, 4, 6, 8 और continue up to infinite, clear? Next one is c side भी दे रखा है, x such that x is a prime number, ठीक है ना, c side भी दे रखा है, c side में क्या दिया है prime number, यानी कौन आएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13 और continue चलता है, clear है क्या? अब वो क्या बोलना चाहता है देखो जल्दी, yes पहला डी भी है क्या इसमें, नहीं, अच्छा सी दूसरा था है ना, ये डी सेट है, ओके ये डी सेट, सी सेट क्या था इसका, x such that x is odd natural number, तो कौन आ जाएगा बेटा 1, 3, 5, 7, 9 और कंटिन्यू चल रहा है, और क्या क्या फाइंड करना है इसमें बोलो जल्दी से बेटा, ए इंटरसेक्शन बी, बोलो जल्दी से, पहला क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन बी कोई बता सकता है क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी, ये रहा ए और ये रहा बी, कॉमन बोलो जल्दी से, ए इंटरसेक्शन बी, बी बी सेट पूरा ही आ जाएगा क्योंकि ए और बी में इसमें सारे ही इवन नंबर्स हैं, इसमें ऑड इवन दोनों का कॉम्बिनेशन, तो ये ऑड इवन का कॉम्बिनेशन है, सिर्फ इवन है और कॉमन चाहिए, तो इसमें से ऑड हटा दो बाकी सारे इवन, तो आप या तो सेट बी डायरेक्ट लिख दो या फिर वही 2, 4, 6, 8 और कंटिन्यू चलता जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बेटा बोलो जल्दी से, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी में बोल दो, ए इंटरसेक्शन सी में बोल दो बेटा जल्दी, ए इंटरसेक्शन सी में सी सेट आ जाएगा क्योंकि ए के अंदर सी के एलिमेंट तो है ही सी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी में सी, यानी 1, 3, 5, 7, 9 और कंटिन्यू। चलिए आगे क्या बोल रहा है वो, नेक्स्ट वन इज ए इंटरसेक्शन डी, बोलो जल्दी से, ए इंटरसेक्शन डी में डी आ जाएगा, डी सेट आ जाएगा, ठीक है, और बोलो आगे नेक्स्ट वन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट वन में क्या बोल रहा है बोलो जल्दी से, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन, ये रहा आपके पास बी और ये रहा सी, क्या कॉमन, क्या कॉमन है बोलो जल्दी से, बी इंटरसेक्शन सी मतलब कि नल सेट 5, कोई कॉमन नहीं है। चलिए नेक्स्ट वन में क्या बोल रहा है बेटा, बी इंटरसेक्शन डी, तो बी और डी में कॉमन बोल दो बेटा, बी और डी में कॉमन बोल दो, 2, only 2, तो बी इंटरसेक्शन डी में क्या कॉमन आ गया आपके पास, 2,
और बोल दो नेक्स्ट जल्दी से. नेक्स्ट वन इज सी इंटरसेक्शन डी. चलो सी और डी में कॉमन बोल दो, येरा सी और येरा डी, सी और डी में कॉमन बोल दो. तो कौन कौन आ जाएगा सी और डी में? देखो एक तो वन तो आना ही है. नहीं नहीं नहीं, सी और डी में वन नहीं आना है, वन नहीं आएगा और इधर से टू नहीं आएगा. समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो सारे प्राइम आ जाएंगे, टू को छोड़ दो. अरे सी और डी में, सी और डी में कॉमन देखो, वन वन जो है इसमें नहीं है तो वो हट जाएगा और टू इसमें नहीं है तो वो हट जाएगा. अब बाकी तो प्राइम नंबर, क्योंकि ऑड नंबर तो आना नहीं है. तो कौन कौन आ जाएगा देखो, सी इंटरसेक्शन डी में आ जाएगा आपके पास 3, 5, 7, 11, 13 और कंटिन्यू. यानी ऑल प्राइम नंबर एक्सेप्ट देन टू, ऑल प्राइम नंबर एक्सेप्ट देन टू. क्लियर है क्या? बोलो बेटा जल्दी से. यस सर. क्या क्लियर?